बहुत कम नंबर पाके भी सिलेक्ट हो जाती है, अगर सीटें खाली से अच्छा चांस और किसी सेक्टर में है ही नहीं गर्ल्स के लिए। हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे और यह जो इंपॉर्टेंट बात होने वाली गर्ल्स के लिए होगी, यहाँ पर हम लड़कियों के लिए बात करेंगे। और बता दें कि लड़कियों के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPCL में जॉब पाना बहुत ही आसान है। के लिए समझिए कि इससे अच्छा, इससे बेस्ट चांस कहीं और नहीं होता है। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, मतलब कि लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते सीधा। अगर आप एक गर्ल्स है ना तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि BSPCL में टेंडर पास कर दिया गया है, वैकेंसी आने का सिलसिला अब लग रहा है कि जारी हो जाएगा, अगले 2-2.5 महीने में वैकेंसी आ सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी है, आप देख रहे हैं कि हर जगह हर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे BSPCL के द्वारा न्यूज आ रही है कि हाँ अब वैकेंसी आ जाएगी, 2-2.5 महीने में लगभग वैकेंसी आने का चांस यहाँ बन रहा है। सो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप एक लड़की हैं और आप डिप्लोमा की हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट चांस है, इससे बेस्ट चांस आपको और किसी विभाग में मिल ही नहीं सकता। BSPCL लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट चांस वाला सेक्टर होता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए BSPCL में एक इसकी खासियत है कि यहाँ पर जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें से कुछ जो सीट है जेंट्स के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज एक साथ कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स के लाइन में कंपटीशन दे रही हैं, बॉयज बॉयज के लाइन में कंपटीशन दे रहे हैं। कहने का मतलब कि जो गर्ल्स होती हैं या कह लीजिए कि जो लड़कियाँ हैं या कह लीजिए जो वुमेन सेक्शन होता है, आपको पता ही होगा कि जो गर्ल्स या वुमेन सेक्शन होता है ये लड़कों के कंपैरिजन में, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कम पढ़ने में कमजोर होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर लड़कों का थोड़ा ज़्यादा नंबर होता है। नंबर का मतलब ये है कि इनकी जो भीड़ होती है ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं बॉयज ही होते हैं डिप्लोमा सेक्टर में, लड़कियाँ थोड़ा कम होती हैं। और उस पर भी लड़कियों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ी सी लड़के जो होते हैं कि पता चला 4-6 साल से तैयारी हम लगे हैं, लेकिन लड़कियाँ इतना वेट नहीं कर पाती हैं, उनका शादी वगैरह का दबाव उनके ऊपर होने लगता है। सो BSPCL में क्या होता है कि लड़कियों के लिए एक अलग सेक्शन, कहने का मतलब कि गर्ल्स का सीट अलग बॉयज का सीट अलग कर दिया जाता है। सो लड़कियां जो होती हैं कि लड़कियों से ही कंपटीशन करती हैं, तो ऐसे में उनका निकलने का चांस, उनका जो सीट है वैकेंसी जो उनका जो एग्जाम से क्रैक करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अगर आप गर्ल्स हैं और डिप्लोमा कर ली हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट चांस नहीं मिल सकता कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में आपको समझिए कि बहुत कम मेहनत पे ही जॉब मिल सकती है। बता दें कि 20-20 नंबर पाने वाली लड़कियां भी सेलेक्ट हो जाती हैं, ऐसा कंडीशन आ जाता है। सो अगर आप गर्ल्स हैं और डिप्लोमा कर ली हैं तो बता दें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा अगर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से JEE का पद आता है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस है, मतलब कि बेस्ट चांस है, इससे अच्छा चांस और किसी सेक्टर में है ही नहीं गर्ल्स के लिए। सो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो होता है गर्ल्स के लिए बेस्ट चांस देने वाला सेक्टर होता है। तो हमारा जो पर्पज है इस वीडियो को बनाने का कि हम जो गर्ल्स हैं उनको पहले से ही बता दें कि भाई देखिए यहाँ पे ऐसी ऐसी व्यवस्था होती है। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, उनको लगता है कि वैकेंसी आई है तो चलो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन जो देखिए बहुत दिनों से जो लोग तैयारी में लगे हैं उनको तो पता ही चल गया होगा, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता है ये सब चीज़ें। तो यह जो वीडियो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो अगर आप गर्ल्स हैं और JEE की तैयारी कर रही हैं तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का फॉर्म फिलअप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर आपका अलग सेक्शन होता है, आपको सिर्फ गर्ल्स से ही फाइट करना होता है। सो आपका प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सेलेक्ट होने का। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा कि चलो कोई तो ऐसा विभाग है जिसमें कि गर्ल्स के लिए अलग चीज़ें की जाती हैं, और समझिए कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में मैक्सिमम आपको ना गर्ल्स मिलती हैं JEE, क्यों, इसी वजह से क्योंकि अलग सेक्शन होता है ना, बहुत कम नंबर पाके भी सिलेक्ट हो जाती है, अरे सीटें खाली चली जाती हैं SC ST कैटेगरी की। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा, आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको पता चला होगा कि हाँ भाई ऐसी भी व्यवस्था होती है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का जय हिंद, वंदे मातरम।